हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक हो गए। मैं आपकी प्यारी अंजलि मैम और आप देख रहे हैं लर्न विद जनित गुरु। ओके, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास सेकंड के मैथ का चैप्टर 5 पैटर्न। ओके, तो आप पहले मुझे ये बताओ, जो मैंने आपको बोला कि हम क्लास सेकंड के चैप्टर 5 मैथ मैजिक से चैप्टर 5 पैटर्न पढ़ने वाले, तो ये जो पैटर्न वर्ड है इसको सुन के आपके मन में क्या इमेज बन रही है? आपको क्या लग रहा है कि ये क्या हो सकता है ना? तो ऐसे कुछ ना कुछ इमेजेस, डाउट या कुछ थॉट्स तो आ रहे होंगे ना? मेरे मन में आते हैं, मेरे मन में तो ये आता है कि अगर मैंने सुना कि पैटर्न है तो मैं ये मुझसे ये सोचती हूँ कि पैटर्न होगा तो अलग अलग डिजाइन से होंगे, कलरफुल्स होगा, है ना? कभी वॉल पे देखेंगे, कभी हम टाइल्स पे देखेंगे, कभी हम किसी क्लॉथ पे देखेंगे, तो अलग अलग टाइप्स के पैटर्न्स हम देखेंगे, तो बहुत सारे पैटर्न्स, डिजाइन्स ये सब देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ओके, बहुत मजा आएगा, स्किप मत करना और इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, जिसमें आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लोगे और ये चैप्टर हमेशा के लिए अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर कोई आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप तुरंत बता दोगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बिन्नी एंड गिन्नी वर गोइंग होम। ऑन द वे दे शो आर सम पीपल मेकिंग द पेवमेंट। अब देखो, एक बिन्नी और एक गिन्नी थी, वो अपने घर जा रही थी, ठीक है? उनने रास्ते में देखा कि कुछ लोग फुटपाथ बना रहे थे। क्या बना रहे थे? फुटपाथ। जो पेवमेंट होता है इसका मतलब होता है फुटपाथ। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है फुटपाथ, ठीक है? दैट दी टाइल्स यूज वर टू डिफरेंट कलर एंड डिजाइन। और जो टाइल्स थी वो किस लिए यूज हो रही थी? वो हो रही थी डिफरेंट, वो टाइल्स में क्या हो रहा था? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, डिजाइन सब लोग यूज हो रहा था। दिस इज वॉट दे सो, ठीक है? यहाँ पे कुछ पिक्चर है जो उन लोगों ने देखा था। देखो यहाँ पे अलग अलग कलर्स हैं, डिजाइन भी अलग है, हर चीज अलग है। ओके, तो चलो आगे देखो। ऑन रीचिंग होम दे शो हर मदर सारीज हैंगिंग ऑन दी रूफ। अब वो जो अपने घर पहुंच गए, उन्हें देखा, जो अपने घर पहुंच गए तो उनकी नजर कहाँ पड़ी? उनकी मम्मी की साड़ी पे, जो कहाँ पर थी? वो एक रस्सी पे सूख रही थी। देखो ये पिक्चर पे दिख रही है आपको। इट ऑल्सो हैड अ नाइस डिजाइन विद डिफरेंट कलर्स। उस साड़ी में बहुत अच्छी अच्छी और बहुत सुंदर डिजाइन थी, ठीक है? और बल्कि अलग अलग कलर से कलरफुल थी वो, ठीक है? आगे देखते हैं। इन द इवनिंग दे वर प्लेइंग इन द पार्क। शाम के टाइम वो लोग क्या कर रही थी? वो लोग पार्क में खेली थी। दे शो आयरन ग्रिल्स ऑन द बाउंड्री वॉल। उनने वॉल की बाउंड्री पे क्या देखी? आयरन ग्रिल्स। ओके, देखो ये रही बाउंड्री, ठीक है? ये क्या है? ये आपकी बाउंड्री है और यहाँ पे क्या है? आयरन ग्रिल्स। ओके, आगे देखते हैं। लुकिंग एट द ग्रिल्स बिन्नी सेड। जब बिन्नी ने उस ग्रिल को देखा तो उसने क्या कहा? दिस सम ग्रिल्स मेड अ डिफरेंट पैटर्न इन आवर विंडो एट होम। ये ग्रिल्स तो थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न में बना है, जैसे हमारे घर पे बना है वैसे ही यहाँ पे बना है, पर बस क्या है, पैटर्न अलग है। ओके, आप देखो उसके घर की विंडो की भी पिक्चर दे रखी है कि उसके घर की विंडो की ग्रिल्स कैसी है। ओके, चलो आगे देखते हैं। वी सी मैनी सच पैटर्न अराउंड अस। हम बहुत सारे पैटर्न देखते हैं अपने आसपास, ऑन टाइल्स, क्लोथ और ड्यूरीज, बहुत सारे हम देखते हैं। टाइल्स पे देखते हैं, क्लोथ पे देखते हैं, वॉल पे देखते हैं, डोर पे देखते हैं, बहुत अलग अलग होते हैं, ठीक है? आगे देखो भोलू। देखो अब आप बताओ इस भोलू कौन है? ये भोलू अब चूहा, ठीक है? बताओ, अब तो एनिमल्स के भी नेम रखने लगे, भोलू और चीकू, ऐसे ऐसे नाम देखो एनिमल्स के भी होने लगे। हैज ईटन अ पार्ट ऑफ शोल्स ऑफ बिन्नीज मदर। अब वो जो भोलू था चूहा, उसने क्या किया? उसने बिन्नीस की, बिन्नीस है ना बिन्नी, उसने क्या करी? बिन्नी की मदर की जो सॉल थी उसे काट दिया, ठीक है? लुक एट दी पिक्चर एंड हेल्प बिन्नी इन मैचिंग विच पीस ऑफ द सेम पैटर्न। अब हमें क्या करना है? अब हमें बिन्नी की हेल्प करना है कि वो इस सॉल का सही पैटर्न, इन चार में से जो सही पैटर्न है वो लगा सके, ठीक है भाई? हम हेल्प करेंगे। उससे पहले हम यहाँ क्या देखेंगे? उससे पहले हम ये देखेंगे कि उसकी मम्मी की जो शॉल है उस पर किस टाइप का पैटर्न है, उस पर किस टाइप का पैटर्न लगा है। उस पर जो पैटर्न लगा है वो कैसा है? वो एक बॉक्स टाइप में है और फोर बॉक्स का ग्रुप बना है। तो क्या ये देखो यहाँ पे बॉक्स तो है, पर क्या यहाँ पे फोर फोर बॉक्स का ग्रुप बना है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे भी बॉक्स है पर यहाँ पे ग्रुप नहीं बना। इसमें भी है पर इसमें ग्रुप बना तो है पर इसमें टू बॉक्सेस का ग्रुप बना है, तो ये भी नहीं है। बट ये है, यहाँ बॉक्सेस भी और फोर बॉक्स का ग्रुप है, तो ये क्या है? राइट पैटर्न। ये क्या है? राइट पैटर्न है। ओके, चलो आगे देखते हैं।
मादर वॉन्ट्स टू मेक अ पैटर्न ऑन अ गेट यूजिंग, अब यहाँ पे एक पैटर्न की डिजाइन दी है, ये पैटर्न वो क्या माधव क्या करना चाहता है, इस पैटर्न का यूज करना चाहता था कहाँ, अपने गेट पे। ओके आगे देखते हैं, कैन यू गैस विच ऑफ दिस कैन नॉट बी फॉर्मेट विद दिस, क्या हम गैस कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे वो गेट नहीं बन सकता है, इनमें से कौन सा है कि जो फॉर्मेट सही नहीं है गेट के लिए, क्या ये वाला सही है कि गलत है। बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे पास तो पिक्चर में यही है ना, तो ये तो सही है, बट क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये जो पैटर्न दिया उससे अपोजिट है, ठीक है, क्या ये है, ये नहीं है। देखो कहते हैं ना, एक उनने एरो दे दी और बगल में क्या दे दी, दो पूंछ दे दी, पर इनमें तो सिर्फ एक ही पूंछ है, दूसरी पूंछ तो गायब है, तो ये भी सही नहीं है, तो इस पे भी हमने ऐसा गलत कर दिया, ये भी गलत, इनमें तो एक भी पूंछ नहीं है, तो ये भी क्या हुई, गलत हुई, बट ये सही है। तो यहाँ पे कितने ऐसे पैटर्न है जो करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है, 3 पैटर्न, ठीक है। आगे देखते हैं, फिल अप द ब्लैंक बॉक्सेस टू कंप्लीट द पैटर्न, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे ब्लैंक बॉक्सेस हैं, उनको फिल करना है, किसके साथ फिल करना है, पैटर्न्स के साथ फिल करना है। चलो तो फिर देखते हैं क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पर्पल कलर का बॉक्स फिल है, यहाँ पे एक स्किन कलर का बॉक्स फिल है, फिर पर्पल, फिर आप यहाँ कर दोगे, यहाँ आप कर दोगे स्किन कलर से फिल। ओके हमने कर दिया, फिर नेक्स्ट आप क्या करोगे, पर्पल कलर, फिर क्या करोगे, फिर स्किन कलर करोगे, ठीक है, फिर क्या करोगे, फिर स्किन कलर, फिर क्या करोगे, पर्पल कलर, ठीक है, पर्पल। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे ब्लैंक है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ग्रीन कलर करोगे जैसे कि पिक्चर में दिया है, ठीक है, फिर आप यहाँ ग्रीन करोगे, जो ऐसे लाइन खींचोगे वहाँ पे ग्रीन करोगे, क्योंकि ये माउंटेन की शेप में बना है तो क्या करना है, यहाँ पे भी ग्रीन करना है, ठीक, फिर यहाँ पे भी ग्रीन करना है, फिर यहाँ पे भी ग्रीन करना है, यहाँ पे भी ग्रीन करना है, और जो नीचे है उनमें क्या करना है, उनमें हमें करना है येलोइस, ठीक है, यहाँ भी कर देना है ऐसे और यहाँ भी कर देना है। ओके नीचे भी सेम आपको ये करना है, कर लेना। आगे देखते हैं आगे क्या है, लीफी पैटर्न, अब जो है लीव्स की पैटर्न है, यूजिंग वन लीफ वी कैन मेक डिफरेंट पैटर्न, सी द 5 लिविंग पैटर्न। आप देखो एक लीव से, एक लीव है उसने एक लीव यूज किया और उससे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स बनाए, 5 टाइप्स के पैटर्न्स बनाए जो कि आपको पिक्चर में दिया हुआ है। देखो फर्स्ट में उसने क्या दिया, वो जो लीव था उसने उसको टेढ़ा करके लगा दिया, फिर उसको सीधा लगा दिया, फिर उल्टा लगा दिया, फिर सीधा, ऐसे एक पैटर्न बना, एक को उसने उल्टा लगा दिया, एक को हॉरिजॉन्टल, फिर उल्टा, फिर हॉरिजॉन्टल, एक को टिल्ट करके लगा दिया, फिर दूसरे को अपोजिट लगा दिया, ऐसा करके उसने 5 पैटर्न्स बनाए। ओके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नाउ यू ऑल्सो मेक सम पैटर्न्स विथ एरोज इन योर नोटबुक, अब आपको क्या करना है, नोटबुक में एरो की हेल्प से पैटर्न बनाना है, ठीक है, तो चलो बनाते हैं, मैं आपको करके बताती हूँ एक दो, वैसे आप 5 पैटर्न्स बनाना, जितना आपका मन करे उतना बनाना, जो आपके मन में जितने जितने टाइप्स के पैटर्न्स आ रहे हैं वो सारे बनाना, बट मैं आपको यहाँ पे 2 या 3 करके बताती हूँ। फर्स्ट पैटर्न आप बना सकते हो एक अप एंड डाउन, ठीक है, एक अप एंड डाउन बना सकते हो, दूसरा पैटर्न बना सकते हो एक अप फिर एक हॉरिजॉन्टल फिर एक अप एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये 2 पैटर्न्स हैं। आगे आपके आप खुद बनाएं, आपको मन में आए जो आपको अच्छा पैटर्न लगे आप वो बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लुक एट द पैटर्न्स एंड फिल अप द बॉक्स, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये पैटर्न्स देखना है और फिर बॉक्स को फिल करना है। देखो एक क्वेश्चन 2-3 में करके बताती हूँ। फर्स्ट में क्या है, एक सर्कल दिया है, रेड कलर का सर्कल, फिर ग्रीन कलर का बॉक्स, फिर रेड कलर का सर्कल, फिर ग्रीन कलर का बॉक्स, फिर आपको यहाँ क्या करना है, आपको फिर ऐसे ही करना है, रेड कलर का सर्कल, ओके देन आपको क्या करना है, देन आपको यहाँ करना है ग्रीन कलर का बॉक्स, ठीक, फिर यहाँ पे भी ग्रीन कलर का बॉक्स करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करना है रेड कलर का सर्कल, ओके फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एरो बनाना है, फिर से एरो को एकदम सेम सीरीज में आगे लेते जाएं। ओके ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डॉट टाइप है, तो उसमें क्या करना है वो भी देखते हैं। पहले एक डॉट है, फिर 2 डॉट बनाओ, फिर 3 डॉट बना, फिर लास्ट में एक डॉट है, फिर आपको सीरीज में आगे क्या करना है, आपको भी यहाँ पे 2 डॉट बनाना है, ठीक है, फिर आप बनाओगे आगे 3 डॉट्स, फिर 1 डॉट, फिर 2 डॉट, तो ऐसे करके आप पैटर्न्स बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आप आगे कर लेंगे खुद, बहुत समझदार बच्चे हो आप। आगे देखते हैं, नाउ यू ऑल्सो मेक पैटर्न्स यूजिंग डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स एंड शो देम टू योर फ्रेंड,
अब आपको क्या करना है, आपको भी अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट के कलर्स के पैटर्न्स बनाने हैं, और उसको बना के अपने घर के लोग, मम्मी पापा, अपने दादा दादी, फैमिली मेम्बर्स को दिखाएं, अपने फ्रेंड्स को दिखाएं, सबको दिखाएं, ठीक है, जिससे वो आपको अप्रिशिएट करें। आगे देखते हैं नंबर पैटर्न्स। अब देखते हैं नंबर पैटर्न्स क्या है। लेट अस लुक एट द सम पैटर्न विथ नंबर। अब आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहे होंगे जो क्या है, नंबर के साथ है। फिल द नंबर इन द ब्लैंक शेप स्पेस टू ईच पैटर्न। आपको क्या करना है, नंबर फिल करना है, कहाँ करना है, जो एक ब्लैंक स्पेस है। तो देखते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या है। अब यहाँ लिखा है 1, फिर यहाँ लिखा है 3, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 7। तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या होगा, नेक्स्ट नंबर आपका होगा यहाँ पे 9। क्यों होगा 9? आपने एक चीज नोटिस करी है, ये जो नंबर जितने भी यहाँ पे लिखे हुए थे या हमने जो लिखे, वो सारे नंबर क्या है, वो सारे नंबर ऑड हैं, ठीक है। आपको पता है ना, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। और इवन नंबर क्या होता है, इवन होता है, इवन नंबर होता है 0, 2, 4, 6, 8, 10। ये जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपके होते हैं इवन नंबर, ओके। चलो आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट पैटर्न आपका दिया है वो क्या दिया है, स्टेयर्स की शेप में दिया है। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको नंबरिंग अरेंज करना है, सीरीज को कंटिन्यू करना है। देखो फिर क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपका क्या है 20, नेक्स्ट क्या है 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70। तो मतलब आपका 20, 30, 40, 50, 60, 70 10 नंबर का डिफरेंस है। तो जो आपका यहाँ पे खाली स्पेस है, यहाँ पे आपको कौन सा नंबर लिखना है, तो 70 के बाद क्या आता है 10, 17 में 10 प्लस करो तो क्या आएगा आपका 18। तो आपका क्या नंबर होगा, 18, ओके। चलो आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या बनी है, यहाँ पे लोटस वाली लीफ बनी है। जैसे लोटस होता है उसके नीचे एक लीफ नहीं बनी होती है, कुछ इस शेप में ऐसे करके ऐसे, तो कुछ इस आपका लीफ है। इसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं, देखो ये लिखा है 24, फिर 27, फिर 30, फिर 33, फिर 36। तो आप ये देखो इनमें कितने नंबर का डिफरेंस है, आप देखो 24, 25, 26, कितने नंबर का डिफरेंस है, 2 नंबर्स का डिफरेंस है, उसके बाद 27, ठीक है, फिर 27, 28, 29, फिर 30, फिर 30, 31, 32, फिर 33, फिर 33 के बाद 34, 35, फिर 36, तो 2-2 नंबर का डिफरेंस है। अब 33 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 2 डिफरेंस के बाद आता हो, 36, 37, 38, फिर आप यहाँ के लिखोगे 39, ओके। अब आपने एक चीज नोटिस नहीं करोगी पर मैंने जरूर करी, देखो क्या करी मैंने, पेन चेंज करके फिर बताती हूँ। देखो ये जो ऊपर वाले, जो ऊपर वाली लीफ है, इनमें जो नंबर लिखे हैं जैसे कि 24, 24, 30 एंड 36, ठीक है, क्या है 36, ये जो जितने भी नंबर, ये जो 3 नंबर है, ये आपके क्या है, ये आपके इवन नंबर हैं। आपने नोटिस नहीं किया पर मैंने कर लिया, ये क्या है आपके इवन नंबर। बट ये जो नंबर है 27, 33 एंड 39, ये क्या है, ये सारे हैं ऑड नंबर, क्या है ऑड नंबर, ठीक है। 7, 3 एंड 9, ये क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। तो जिस नंबर के पीछे ये 7, 3, 9 या 1 ऐसे नंबर जो लग जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ऑड नंबर हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे भी आपके पास कुछ एग्जांपल के तौर पे दिया है, चलो देख लेते हैं क्या है। चलो ये क्या दिया है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50। तो आपको क्या करना है, ये जो फिल इन दी ब्लैंक्स है इसको फिल करना है ना, यही तो करना है आपको। तो चलो 5 और 10 में कितने नंबर का डिफरेंस है, 5 एंड 10 में 5 नंबर का डिफरेंस है, तो 5 फिर 10, फिर 5 नंबर का गैप देखे 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, 30 के बाद 5 नंबर का गैप देखे क्या आता है 35, ओके, फिर 35 का गैप देखे क्या आता है 40, 40 के बाद 5th नंबर क्या होता है 45, देन 50 होता है, उसके बाद 55। तो यहाँ पे आपका सबसे लास्ट नंबर क्या हुआ, 55, ओके। चलो आगे देखो, आगे क्या है, T2 फ्रॉग। अब देखो ये यहाँ पे एक फ्रॉग है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है T2, ओके। ये क्या कर रहा है, जंप्स ओवर 2 नंबर्स एंड रीच द 3rd नंबर। ये क्या करता है, ये 2 नंबर को जंप करके सीधा कहाँ पहुँचता है, 3rd नंबर पे रुकता है, ठीक है। वेयर विल T2 गो नेक्स्ट। अब इनमें से हमें बताना है, इनमें से 2 बार करके दे रखा है, तीसरा हमें बताना है कि तीसरे में वो कौन से नंबर पे जाके रुकेगा,
ठीक है, मेक अ रिंग ऑन द अदर नंबर, हमें रिंग बनानी है अदर नंबर पे, ठीक है, मतलब सर्कल बनानी है। तो देखो अगर इसने यहाँ पे मान लो यहाँ पे जीरो था, तो जीरो से स्टार्ट किया, वन एंड टू का नंबर का डिफरेंस आया तो थ्री पे रुका, फोर एंड फाइव दो नंबर का डिफरेंस आया तो वो सिक्स पे रुका, अब देखते हैं सेवन एंड एट नंबर का आएगा फिर वो कहाँ रुकेगा, नाइन पे, तो हमने भी रिंग कर दिया। फिर नाइन से दो नंबर का डिफरेंस, टेन को छोड़ो इलेवन को छोड़ो सीधा कहाँ जाएगा, वो ट्वेल्व पे जाएगा। थर्टीन फोर्टीन को छोड़ो सीधा कहाँ जाएगा, वो फिफ्टीन पे। फिफ्टीन के बाद सिक्सटीन सेवनटीन छोड़ो सीधा कहाँ जाएगा, वो एटीन पे। नाइनटीन ट्वेंटी छोड़ के वो कहाँ जाएगा, ट्वेंटी वन पे। एंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री छोड़ के वो कहाँ जाएगा, ट्वेंटी फोर पे। ओके, ये हो गई आपकी सीरीज कंप्लीट। आगे चलते हैं। टी टू जम्प्स एंड गेट ऑन एवरी टेंथ स्टोन, राइट द नंबर ऑन द स्टोन। टी टू क्या करता है, हर टेन नंबर पे वो क्या करता है, जम्प करता है। तो देखो यहाँ पे उसका ब्लैंक है और यहाँ पे ट्वेंटी एट है प्लस टेन है, ठीक है। आपको यहाँ वाला नंबर निकालना है कि इसमें ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसमें आप टेन प्लस करोगे तो आपका आंसर ट्वेंटी एट आएगा, ठीक है। देखो मैं एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आपको ऐसे निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा। आपका यहाँ पे क्या नंबर है, यहाँ पे आपके पास है ट्वेंटी एट, आप यहाँ लिख दोगे ट्वेंटी एट, कौन सा कितना नंबर प्लस किया है, टेन नंबर प्लस किया, नीचे आप लिख दो टेन, और यहाँ प्लस किया है ना, पर आप यहाँ पे क्या करोगे माइनस, फिर आप इसे माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा एट, आएगा वन, तो आप यहाँ क्या लिखोगे एटीन, एटीन। अब आपको उसको चेक करना है कि आपका सही है कि नहीं, तो क्या करोगे एटीन प्लस टेन कर दोगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा ट्वेंटी एट, तो ये मतलब हमारा आंसर सही है। अब देखो मैंने अपने पिछले लेक्चर में, जो मैंने पहले लेक्चर बना रखे हैं उनमें भी मैंने बताया, अगर आपको दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना है कि उनमें कितने नंबर्स का गैप है, तो आपको हमेशा क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। किससे सब्ट्रैक्ट करना होता है, आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर का, मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर का सब्ट्रैक्ट करना होता है। ओके, तो यहाँ पे 18 हो गया, 28 हो गया, 38 हो गया, अब 38 में प्लस 10 करो तो क्या आएगा 48, ठीक है, फिर 48 में प्लस 10 करोगे तो क्या आएगा 58, फिर 58 में प्लस 10 करोगे तो क्या आएगा आपके पास 68, ओके, एंड 68 में प्लस 10 करोगे तो क्या आएगा आपके पास, क्या आएगा 78, ओके। चलो अब यह क्या करना है, नेक्स्ट है आपके पास रीड एंड राइट व्हाट कम्स नेक्स्ट। आपको क्या करना है, रीड करना है, पढ़ना है, लिखना है कि आगे क्या आएगा, दो तीन करके बताती हूँ, उसके बाद आपको खुद करना होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है, यहाँ पे पहले में लिखा है ए ए, फिर लिखा है बी बी, फिर लिखा है सी सी, फिर आप नेक्स्ट क्या लिखोगे, आपके पास नेक्स्ट है डी डी, फिर आप लिखोगे ई ई, फिर आप लिखोगे एफ एफ, फिर लिखोगे आप जी जी, फिर लिखोगे एच एच, तो ऐसे ही आपको क्या करनी है, सीरीज कंप्लीट करनी है। चलो एक और करते हैं, एक और क्या है, अब यहाँ लिखा है ए बी, फिर लिखा है सी डी, फिर लिखा है ई एफ, तो आप आगे क्या लिखोगे जी एच आई जे के एल एम एन फिर ओ पी, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डे, फिर नाइट, फिर डे, फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पे नाइट, क्या लिखोगे आप यहाँ पे नाइट, ओके एन आई जी एच टी नाइट, फिर आप लिखोगे यहाँ डे, फिर आप यहाँ लिखोगे नाइट, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखते जाओगे, ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद है वन टू वन टू, फिर यहाँ लिखोगे वन टू वन टू, ओके। आगे देखो आगे क्या है, आगे है 87, 88, 89, आगे क्या होगा 90, फिर 91, 92, 93 एंड 94, ओके। इतना मैंने कर दिया, और बाकी का जितना भी है वो आपका क्या है, वो आपका है होमवर्क, क्या है आपका वो होमवर्क, होमवर्क तो मिलनी चाहिए ना, नहीं तो आप क्या करोगे, गेम खेलोगे, फ़ोन चलाओगे या खेलने भाग जाओगे, पढ़ाई तो करोगे नहीं, तो होमवर्क दे दिया मैंने, ये आप खुद करोगे, ओके। आगे देखते हैं आगे क्या है, कीटू हैज मेड सम पैटर्न्स बाय कलेक्टिंग लीव्स। कीटू ने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने कुछ लीव्स कलेक्ट करें और उससे एक अलग 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 क्या करे पैटर्न्स बनाए। देखो फर्स्ट ने क्या किया, उसने दो टाइप्स की लीफ तोड़ी, एक जो लीफ आती है पतली से और लंबी से आती है, जो ये वाली होती है, ठीक है ये वाली, और एक आती है एकदम पहले नीचे से थोड़ी सी वो होती है मोटी, फिर ऊपर जाके तो पतली बन जाती है, ठीक है, ऐसा कमल की शेप में आ जाता है, तो बीच में कमल का जो बीच का पोर्शन होता है वो कुछ इस टाइप में होता है ना, इस टाइप में ऐसे करके, ऐसे करके, एक मिनट एक मिनट, थोड़ी सी बेकार बन गई, थोड़ी सी बेकार बन गई मेरी ड्राइंग, अभी मैं ठीक करती हूँ अपनी ड्राइंग को, ऐसे करके, ऐसे करके कुछ ऐसे बनता है ना,
तो ये बनता है ऐसे। तो ये जो बीच रिलीफ है वो किस टाइप की है, तो इसने क्या कर दिया, जो ये वाली जो बीच रिलीफ है उसने उसको क्या करा, एक को सीधा रखा, फिर एक को उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, ऐसे करके उसने बहुत अलग अलग पैटर्न बनाए। दूसरे में उसने क्या पैटर्न बनाया, उसने चार लीफ ले ली छोटी छोटी, ठीक है, फिर उसको अलग अलग डायरेक्शन में रख दिया, एक को उसे नॉर्थ ऐसे, एक एक ऐसे रख दिया, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, मतलब एक नॉर्थ, एक साउथ, एक ईस्ट, एक वेस्ट, ऐसे करके चारों साइड में अलग अलग करके लीफ रख दिया। तो ये भी अलग अलग पैटर्न बना दिया उसने, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है, आगे है, नाउ यू ऑल्सो कलेक्ट सम लीफ एंड अरेंज देम इन डिफरेंट पैटर्न। आपको भी क्या करना है, अलग अलग लीफ लेना है और उनको कैसे अरेंज करना है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में अरेंज करना है, और ऑल्सो ड्रॉ द पैटर्न यूजिंग मैच स्टिक्स। आपको और भी ड्राइंग करनी है और भी पैटर्न बनाने विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक्स, माचिस की तिल्ली के साथ, ओके। तो चलो कर लेना ये वाला, और ये चैप्टर हो गया फिनिश। मैंने जैसा कहा था कि आज की लेक्चर में ये चैप्टर हम पूरा फिनिश कर लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी पीजी लल्लू क्वेश्चन था, लल्लू चैप्टर था, एकदम ख़त्म हो गया है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, मैथमेटिक्स का क्लास सेकंड का प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने सारे चैप्टर्स बना के 1-4 एंड ये फिफ्थ वाला है जो कि अपलोड हो जाएगा आज, ठीक है। तो ये वाला है पूरे फिफ्थ चैप्टर है, अगर आपने पीछे के कोई चैप्टर्स नहीं देखे तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल्स को ओपन करिए, प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें सारे चैप्टर्स है, चेकआउट करके उस वीडियो को देखिए और चैप्टर पढ़ के समझिए और रेडी हो जाइए एग्जाम के लिए, ओके। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में, ओके। तब तक के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।